क्लास 9 आज का हमारे टॉपिक है रिगार्डिंग मूवमेंट ऑफ द सेमी ऑफ द पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कि कौन रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट के लिए, कौन कौन सी दो प्रॉपर्टीज है या फिर फिनोमिनाज है जिसकी वजह से मूवमेंट होती है सेल की मटेरियल्स की फ्रॉम इनसाइड द बॉडी टू सेल आउटसाइड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ये मूवमेंट कैसी होती किसी भी चीज़ की। दीज आर टू प्रोसेसेस विच आर ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज पर्टिकुलर फिनोमिनाज। फर्स्ट है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस के बिहेव ऑन अ बेसिस ऑफ डिफरेंस। We will continue the lecture. First is that is जो होता है आपका osmosis के केस में it involves the movement of the solvent molecules, while in the case of the diffusion में आपके solute part molecules की movement होती है। Secondly, जो molecules होते हैं जितने भी molecules होते हैं move from the lower concentration of the solute to the higher concentration in case of osmosis। बट अगर बात करें हम डिफ्यूजन के केस में वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट रिगार्डिंग दैट इज इट अकर्स मोर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ठीक है, और रिगार्डिंगली जो आपका डिफ्यूजन होगा वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी उसके मूवमेंट में। एग्जाम्पल की बात करें अगर हम ऑस्मोसिस की श्रिंकिंग ऑफ द पोटैटो स्लाइस व्हेन कैप्ट इन अ सुक्रोज सॉल्यूशन, और एग्जाम्पल आपकी डिफ्यूजन की होगी दैट इज स्प्रेडिंग ऑफ द इंक व्हेन अ ड्रॉप ऑफ इंक इज पुट ऑन अ ग्लास स्लैब या ग्लास स्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, ये प्रेजेंट सेल फॉर सेल किसमें होती है, प्लांट सेल में होती है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इज इन प्लांट सेल ओनली एंड इट इज कम्पोज ऑफ सेलुलोज एंड इज परमिएबल, इट सेपरेट्स द कम्पोजिशन ऑफ द सेल्स फ्रॉम द सराउंडिंग, इट बेसिकली सेपरेट्स करती है, सेपरेशन करती है सेल के इनसाइड जो कंपोनेंट्स है उसको सराउंडिंग से बचाती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्रॉम द फॉरेन एजेंट, आल्सो प्रोवाइड द शेप पर्टिकुलर शेप टू द सेल, पर्टिकुलर शेप टू द सेल इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय द सेल वॉल। नेक्स्ट है प्लाज्मोलाइसिस, जब हम किसी भी आपके सोल्यूशन में हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सेल को डालते हैं देन स्वेल सेल लूजेज इट्स वाटर या प्लाज्मा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। When the cell loses plasma or water when kept in a hypertonic solution is called plasmolysis. Next is the isotonic solution. A solution is said to be isotonic when its effective osmotic concentration is same as that of the outer other cell another solution. ठीक है जी, the solution on the either side of the cell membrane are isotonic if the concentration of the solute outside the cell is equal to concentration of solute inside the cell. अगर isotonic solution तब कहेंगे अगर either side पे पड़े हुए solution उनकी concentration same हो inside or outside. ठीक है, next है हमारे hypertonic solution, a solution which has lower osmotic pressure than the other solution. अब isotonic में क्या होता है, osmotic pressure ज़्यादा होती है किसी और solution से, और hypertonic solution में simply अगर explanation मांगोगे बताओगे पेपर में रिगार्डिंगली आइसोटोनिक सोल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग्स एंड द हाइपरटोनिक में कम होता है। नेक्स्ट रिगार्डिंग दैट इज अ डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, एंड मूवमेंट ऑफ द एनी सब्सटेंस फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन ऑफ एनी सोल्यूशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये था ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में। नाउ नेक्स्ट रिगार्डिंग दैट इज अपन न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस जो है डबल्ड मेम्ब्रेन लेयर है कंटेनिंग ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ऑल सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज अ पोज विच अलाउ बेसिकली जितनी भी आपकी ट्रांसफर होती है चीज़ों का इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल दीज पोर्स आर अलाउंग इट विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्रोमोसोम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन इट विच कंसिस्ट ऑफ DNA में होता है उनको उनमें प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं एंड कंट्रोल ऑल द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूक्लियस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सेल की फंक्शनिंग में एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड द सेल डेवलपमेंट। ठीक है, फंक्शनल के अंदर फंक्शनल सेगमेंट ऑफ अ DNA आर कॉल्ड जीन्स। ठीक है, जीन्स कहते हैं फंक्शनल सेगमेंट को DNA को। ठीक है, न्यूक्लियस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, और एक सेल से डिफरेंट सेल्स होते हैं वो बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, दिस वाज व्हाट वी आर डूइंग इन द क्लास, सो इट इज फॉर टुडे। होप सो क्लियर हो गया होगा, फिर भी कोई डाउट होगा तो पूछ लेना एक बार। देखो, देयर सम ऑर्गेनिजम्स इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है एब्सेंट होती है और कईयों में प्रेजेंट होती है। ठीक है, उन्हीं के बेसिस को हमको डिफाइन किया गया यूकैरियोटिक्स में और प्रोकैरियोटिक्स में, डिफ्रेंशिएशन किया गया डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन दैट।
देखिए कुछ में प्रेजेंट होती है कुछ में प्रेजेंट नहीं होती है, उसकी स्टडी हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना था, थैंक यू।